ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जो है 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर, 12012 का है ये, ठीक है। तो इस पर हमें हम कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर, या हम कह सकते हैं कि एक रेक्टिफायर सर्किट कौन सा इस पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कनेक्शन में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग को सिर्फ डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए 6 एम्पीयर के 4 डायोड यूज़ करे गए हैं, जिनसे कि एक ब्रिज बनाया गया है। आप सभी लोगों को ब्रिज कनेक्शन के बारे में जानकारी होगी, और नहीं है तो आप प्लीज़ इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है दोस्तों। 4 हमें यहाँ पर डायोड चाहिए होंगे, सिलिकॉन डायोड, और जो कि हमारे हर एक डायोड 6 एम्पीयर का है, ठीक है, इस तरीके से। और एक हमने यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करा है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 25 वोल्ट यानी 25 वोल्ट, और जो फैरड हैं वो माइक्रो फैरड हैं, 4700 यानी 4700 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर यूज़ करा है। और इसको हम कॉपर, इस तरीके से जो कॉपर का बोर्ड आता है कनेक्शन के लिए, उस पर हमने इस पर माउंट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इस देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो कैपेसिटर वाले इस तरीके के, हम ट्रांसफार्मर में जब कैपेसिटर से लगा करके ब्रिज रेक्टिफायर की सप्लाई बनाते हैं, तो इससे हम पूरा एकदम से एक्यूरेट फुल लोड पर बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्किट हम लगा रहे हैं 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर पर, जो कि हमें 15 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, बैटरी चार्जिंग के लिए। तो उस दौरान हम इस कैपेसिटर को हम 1-1.5 एम्पीयर तक तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बड़ी बैटरी से जोड़ दिया, बड़ी बैटरी से जोड़ने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम एम्पियर डेसिपेट होंगे, मिनिमम एम्पियर जाने वाले हैं। इस केस में डायोड तो सस्टेन कर जाएंगे क्योंकि 6 एम्पियर के हैं, लेकिन जो हमारा ये कैपेसिटर है दोस्तों, ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ये फट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, पावर सप्लाई में तो आप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पावर सप्लाई एज ए पावर सप्लाई मीन्स, मान लीजिए आपको कोई डिवाइस चलाना है और 12 वोल्ट्स का, तो उसके केस में तो आप कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी चार्जिंग के केस में आप कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से छोटा सा सर्किट बना लिया जाता है, और ये हमें, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है हमने, ये हमारा काम करेगा जितने जो है हमारा वोल्टेज का मैक्सिमम कैपेसिटर लगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसफार्मर रेंज, की जितने भी ट्रांसफार्मर की आपकी रेंज है, उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए दोस्तों। हमेशा क्या करना है आप लोग को, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर 5 एम्पीयर का है, तो आप उससे 3 एम्पीयर यूज़ करेंगे, और 3 एम्पीयर यूज़ करेंगे तो हमें डायोड हमेशा रेटेड करंट के डायोड लगाने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 3 एम्पीयर जा रहे हैं, तो हम डायोड 3 एम्पीयर के नहीं लगाएंगे, हम 3 एम्पीयर से ज़्यादा, जो कि 6 एम्पीयर के डायोड आते हैं, तो हम 6 एम्पीयर के डायोड को इस तरीके से लगा देंगे ब्रिज बना करके। दोस्तों, ब्रिज और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दोनों में एक अंतर ये होता है दोस्तों, कि ये ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से जो हम DC आउटपुट बनाते हैं, वो ज़्यादा इफ़िशियंट होती है एज़ कंपेरिजन टू दिस ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो है, और आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग का जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।